सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जैकेट नहीं देने पर गुस्से में तीन दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की निर्मम तरीके से हत्या कर शव नाले में फेंक दिया था। आरोपी नए साल का जश्न मनाने के नाम पर पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से यूपी, बिहार, राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंच गए। दिल्ली पुलिस ने 4,500 किलोमीटर पीछा करके चार में से तीन आरोपियों को गुजरात के गांधीधाम से धर दबोचा। तीनों आरोपित मृतक संतोष के घर के पास के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपितों के नाम 19 वर्षीय प्रिंस, 19 वर्षीय जावेद व 19 वर्षीय हर्ष उर्फ हर्षु है। दिनांक 26 दिसंबर 2021 को थाना मंगोलपुरी में के ब्लॉक निवासी गजोधर प्रसाद की पत्नी रेशमा ने बताया कि उसका 18 वर्ष का पुत्र संतोष 25 दिसंबर 2021 से लापता है। दिनांक 26 दिसंबर 2021 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच की गई। मिसिंग लड़के को खोजने के लिए पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आसपास के सस्पेक्ट स्थानों की तलाशी ली गई। आधार कार्ड का बायोलॉजिकल डाटा सभी एजेंसियों के साथ शेयर करके लापता व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन लापता व्यक्ति के संबंध में कोई सुराग नहीं मिला। 28 दिसंबर को पीड़ित परिजनों ने बताया कि उनके बेटे को प्रिंस, हर्षु, पारस और जावेद बुलाकर ले गए थे। शक जताया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है, क्योंकि तभी से ये लोग फरार हैं। घटना वाले दिन पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की, जिसमें एक युवक संतोष को ले जाते हुए दिखा। पुलिस ने एफआईआर संख्या 1551/21 अंडर सेक्शन 365/34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वीरेंद्र काद्यान एसीपी मंगोलपुरी की सुपरविजन और मुकेश एसएचओ मंगोलपुरी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर निर्भय कुमार, इंस्पेक्टर राजीव, एएसआई प्रदीप, शमशेर, कांस्टेबल विकासक, सुखजीत, संदीप, नवीन और नीटू की टीम बनाई गई। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी यह कहकर घर से निकले थे कि वे रिश्तेदार से मिलने कानपुर जा रहे हैं। इसके बाद एक टीम वहां पहुंची। पता चला कि वे कानपुर नहीं पहुंचे हैं। जांच टीम को टेक्निकल सर्वेलेंस और मुखबिरों से पता चला कि राजकुमार नामक एक संदिग्ध को गया बिहार में उसके पैतृक गांव में देखा गया है। तुरंत ही एक टीम वहां भेजी गई। पता चला कि वो अपने स्थानीय दोस्त के साथ गया से निकला है। दोनों की लोकेशन आगरा की मिली। उन्हें रोकने के लिए एक टीम को तुरंत आगरा के लिए रवाना किया गया, लेकिन संदिग्ध राजस्थान और फिर गुजरात की ओर बढ़ गए। एक टीम को तुरंत रूट पर चलने के लिए कहा गया। टीम ने रेल रूट को ट्रेस किया। संदिग्ध लड़कों की लास्ट लोकेशन गुजरात के गांधीधाम की झुगी बस्ती में मिली। कई घंटों की मशक्कत के बाद जांच टीम ने प्रिंस, हर्षु और जावेद को खोजकर दबोच लिया और दिल्ली लाया गया। शुरुआती पूछताछ में तीनों दोस्तों ने किसी भी गलत काम के आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने मिसिंग संतोष के साथ केवल शराब पी थी, लेकिन कुछ समय बाद संतोष उन्हें छोड़कर चला गया था। पुलिस टीम ने तीनों दोस्तों से अलग अलग से पूछताछ करके क्रॉस वेरीफाई किया गया। अंत में उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि संतोष के पास एक अच्छी जैकेट थी। 25 दिसंबर 2021 की दोपहर आरोपी राजकुमार ने लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पीड़ित संतोष से कुछ समय के लिए उसकी जैकेट पहनने के लिए मांगी थी, लेकिन पीड़ित ने जैकेट देने से इनकार कर दिया और उसकी गरीबी पर ताना मारा। इतना ही नहीं, उसने उसे और उसके अन्य दोस्तों को भी पीटा भी। अपमान का बदला लेने के लिए राजकुमार, हर्ष और जावेद ने संतोष को सबक सिखाने का फैसला किया। उसी दिन शाम को उन्होंने उसे एक पीसीओ से बुलाया और पार्टी करने का झांसा देकर अपने साथ ले गए। इसके बाद उन्होंने यू ब्लॉक चर्च के पीछे शराब पी। जब संतोष शराब के नशे में धुत हो गया तो पहले उसके पैर पर, फिर पेट और गर्दन पर वार किया और शव को नाले में फेंक दिया। दिनांक 3 जनवरी 2022 को आरोपियों की निशानदेही पर मृतक संतोष के शव को सुल्तानपुरी स्थित नाले से बरामद किया गया। अभी भी पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में कई जगह छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। छब्बीस तारीख को एक 18 साल के युवक की, जिसका नाम संतोष है, उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी उसके परिवार ने कि हमारा बेटा कल से घर से गया, जब तक वापस नहीं आया। तो उस मिसिंग रिपोर्ट को लिखने के बाद से उस मिसिंग लड़के की लोकल सर्च कराई गई थी। तो उस सर्च में उसका ह्यू एंड क्राई नोटिस निकला था, उसकी फ़ोटोग्राफ लेके यहाँ लोकल एरियाज़ में सर्च कराया गया था, फ़ोन वगैरह को भी चेक किया गया था और यारों दोस्तों से भी पूछताछ करी गई थी। लेकिन 28 तारीख तक
उस पूछताछ का पड़ताल का कोई खास रिजल्ट नहीं सामने आया। 28 को उसके परिजनों ने एक बार फिर आके ये बताया कि 25 तारीख को उस लड़के को किसी का फ़ोन आया था, उसके बाद वो घर से गया था। तो उस घटना के बाद से उनको ये शक है कि उसको उसके साथ कोई अनहोनी हुई है या फिर उसको कुछ लोगों ने कहीं बंधक बनाकर रखा है। उस पर मुकदमा रजिस्टर किया गया था 28 तारीख को, और उसके बाद फिर उस मुकदमे में टीम्स बनाकर आगे पड़ताल शुरू करी गई थी। इस मुकदमे में जो मुख्यतः सस्पेक्ट थे उसमें 4 लड़के जो इसके विक्टिम के जानने वाले ही निकले, उसमें उनका नाम प्रिंस, हर्षू और जावेद है, और एक लड़का इसमें पारस नाम का भी है। तो इन 4 लड़कों से कुछ 25 तारीख को दोपहर में, दिन में या दोपहर के टाइम पे कुछ झड़प या हाथापाई होने के बारे में पता लगा, और फिर ये भी पता लगा कि ये 4 लड़के अपने अपने घरों से, ये एल ब्लॉक मंगोलपुरी के ही रहने वाले हैं, अपने अपने घरों से ये फरार, और इन्होंने जब इनके घर पे पड़ताल करी गई तो ये पता लगा कि इन लोगों ने ये बताया कि हम इनमें से एक सस्पेक्ट प्रिंस है, कि हम प्रिंस की नानी के यहाँ जा रहे हैं जो आगरा की तरफ रहती है। तो इस बात से एक टीम को तत्काल आगरा भेजा गया था। आगरा जब वो टीम पहुंची तो पता लगा कि इनमें से कोई भी लड़का जो है आगरा पहुंचा ही नहीं है, और ये रास्ते में से ही कहीं गायब हो गए। इसके बाद इसमें पूछताछ और तफ्तीश को और तेज़ किया गया और टीम्स लगाई गई। इसमें एक ये भी इंफॉर्मेशन मिली कि प्रिंस जो कि मूलतः बिहार गया का रहने वाला है, तो ये शायद वहाँ गया है। तो गांव से ये तस्दीक हो गया था कि इनकी मूवमेंट वहाँ की है, लेकिन टीम यहाँ से जब तक गया बिहार पहुँची तब तक ये लोग वहाँ से जा चुके थे। लोकल लेवल पे तफ्तीश करने के बाद ये पता लगा कि वहाँ इनका एक और मित्र है, लोकल दोस्त था, जिसका नाम पवन आया, कि ये पवन के साथ कहीं गए हैं, लेकिन ये कहाँ गए हैं गाँव में किसी को नहीं मालूम था। उसके बाद मल्टीपल जगह पे इंक्वायरी करी गई। एक रेलवे की इंक्वायरी में ये पता लगा कि यहाँ से 4-5 लड़के ट्रेन पकड़कर उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं। उस ट्रेन को फॉलो करने के लिए उसी टीम को लगाया गया की, और रास्ते में उसे इंटरसेप्ट करने के लिए आगरा के आसपास यहाँ से दिल्ली से एक और टीम माउंट करी गई। लेकिन जब तक ये टीम आगरा पहुँचती है तब तक इस बात पर क्लैरिटी आई कि इन सब ने ट्रेन उत्तर प्रदेश जाने की नहीं, रादर इन्होंने राजस्थान होते हुए ट्रेन को गुजरात जाने के रास्ते वाली ट्रेन पकड़ी। एक इन्फॉर्मेशन ये भी आई थी कि ये लड़के हो सकता है बॉम्बे के लिए या फिर फर्दर साउथ के लिए निकल जाएं, और एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये गुजरात में ही कहीं जाके छुपें। चूँकि ये नहीं मालूम था कि विक्टिम के साथ किया क्या है इन्होंने, तो इसलिए इन लड़कों का ही पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके लिए जो टीम इनको गया से फॉलो कर रही थी उसने फॉलो करना जारी रखा, और जो टीम आगरा गई थी उसको भी एडवांस पार्टी की तरह पहले राजस्थान और उसके बाद राजस्थान में जयपुर, अजमेर वगैरह, और उसके बाद गुजरात के लिए रवाना किया गया था। फाइनली दोनों टीम्स हमारी उस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भी गांधीधाम गुजरात में जाकर मिलती हैं। उसके बाद रेलवे स्टेशन के आसपास की सर्च माउंट करी गई, उससे ये वहाँ तस्दीक हुआ कि एक ऐसी कॉलोनी है या एक क्लस्टर है ऐसा, जहाँ पर बिहार से आई हुई काफ़ी सारी लेबर रहती है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, अलग अलग फैक्ट्रीज़ में काम करती है। तो ऐसी जगह पर सबसे पहले सर्च की कवायद की गई। वहाँ 2 घंटे के आसपास तो डोर टू डोर सर्च चली, उससे पहले भी वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अलग अलग लोगों को बीच में डाल के कोशिश की गई थी कि कैसे ना कैसे कोई इन्फॉर्मेशन तो मिले इन लड़कों के बारे में। तो खैर टीम गॉट सक्सेसफुल, और वहाँ की सर्च के बाद हम लोग 3 लड़कों को वहाँ पर नैब करने में कामयाब रहे इनिशियली, उसमें प्रिंस, जावेद और हर्षू हैं। बाकी के 2 लड़के, एक जो बिहार से आया था और जो एक और लड़का इनके साथ यहाँ से गया था, उनके बारे में अभी खोजबीन जारी है। कड़ी नजर। कड़ी खबर। और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक,
शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।